हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ मनोज वर्मा। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एल्गो ट्रेडिंग करके नहीं दिखाऊंगा। आज की ये वीडियो पर्टिकुलर मैंने इंडिकेटर पे बनाई है। आज मैंने एक इंडिकेटर बनाया है एंड उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। मल्टी कंडीशन है, काफ़ी यूजर ने इसकी डिमांड भी करी थी, तो वो इंडिकेटर मैंने बनाया है। तो आज उसका आपको एक डेमो दिखाऊंगा एंड उसकी एक्सेस आपको कैसे मिलेगी ये सारी चीज़ें बताऊंगा। एंड इसी तरीके से मैं जो भी मैंने चार पांच इंडिकेटर बनाए हैं उनकी 1 बाय 1 वीडियो डालूंगा, जिसके अंदर ओनली फॉर इंडिकेटर के बारे में बताया होगा। और किसी दिन पर्टिकुलर एक वीडियो सभी इंडिकेटर पे ऑटोमेशन ट्रेडिंग करके आपको दिखाऊंगा कि ऑर्डर कैसे लग रहे हैं। जो कि जो पुराने यूजर हैं मेरे, ओल्ड यूजर हैं, वो सब जानते होंगे कि ऑर्डर कैसे लगाते हैं इंडिकेटर में। उन्हें बस कोड डालना है और ऑर्डर लग जाएंगे। बट जो नए यूजर हैं, जिन्हें पता नहीं कि ऑर्डर कैसे लगते हैं इंडिकेटर से, उन्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी प्रीवियस वीडियो को देखना पड़ेगा। तो आ जाता हूं मैं अपनी बात पे। जो आज का इंडिकेटर बनाया है, ये दो इंडिकेटर के कंबाइंड करके बनाया है और उसका मैं आपको एक लाइव डेमो भी दिखाऊंगा। पहला ये इंडिकेटर है मैकडी और दूसरा है मूविंग एवरेज, वो भी सिंपल मूविंग एवरेज। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं और दो इंडिकेटर ऐड कर लेते हैं। तो मैं दो इंडिकेटर ऐड करता हूं। सबसे पहले मैं सिंपल मूविंग एवरेज ऐड कर लेता हूं। मैंने मूविंग एवरेज डाला, यहां मूविंग एवरेज आ गई। एंड दूसरा मैं कर लेता हूं मैकडी ऐड। तो ये यहां पर मैं डालता हूं MACD, मैकडी, और मैकडी भी ऐड हो गया। तो अभी आपको इंडिकेटर इसलिए शो नहीं हो रही यहां पर लिस्ट, क्योंकि मैंने ये हाइड कर रखा। मैंने ओपन करा तो नीचे आपको दिख रहा होगा मैकडी ऐड हो गया, बाय डिफॉल्ट सेटिंग में ऐड हुआ है। मूविंग एवरेज की जो सेटिंग है वो मैंने बाय डिफॉल्ट 200 कर रखी है। आप चाहो तो आप उसे चेंज कर सकते हो, जो मैं इंडिकेटर आपको दूंगा। तो ये देखिए, मैंने ये दोनों चीजें कर दी। एंड ये इंडिकेटर जो काम करेगा वो कैसे काम करेगा, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जो मैंने मल्टी इंडिकेटर बनाया, ये तो दो इंडिकेटर है, अलग अलग इंडिकेटर है, पर मैंने जो मल्टी कॉम्बिनेशन कर रखा है वो काम करेगा कुछ इस तरीके से कि यहां पर जब ये क्रॉस होगा, मैकडी लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करेगी तो हमारा बाय का सिग्नल है। उसके बाद यहां पर कैंडल 200 की मूविंग एवरेज से ओपन ऊपर होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए, मतलब जो ओपन प्राइस है वो 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए। तो कैंडल अगर 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर ओपन होती है तो हमारी कंडीशन मैच कर जाएगी एंड बाय का सिग्नल आ जाएगा। इसी तरीके से अगर ये मैकडी लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करके नीचे की तरफ जाती है, क्रॉसिंग डाउन करती है एंड 200 की मूविंग एवरेज से नीचे कोई कैंडल ओपन होती है, तो ये कंडीशन हमारी मैच करेगी सेल के लिए। ये कुछ हमने इस तरीके से बनाया है। तो मैं आपको एक लाइव डेमो दिखा देता हूं कि सिग्नल कैसे आ रहे हैं। तो अब मैं इंडिकेटर पे जाता हूं, जो इंडिकेटर बनाया, और इंडिकेटर को मैं ऑन कर देता हूं। तो ये रहा इंडिकेटर, मैंने ऑन कर दिया। और अच्छा, अभी मैं आपको बता दूं, इस इंडिकेटर का मैंने कोई नाम नहीं रखा और ना इसे मैंने पब्लिश करा है। तो इस वीडियो को बनाने के बाद मैं इसका नाम रखूंगा और इसे पब्लिश करूंगा, और इसकी एक्सेस कैसे मिलेगी वो सारी चीजें मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी ये बस मेरे पास अंडर ट्रायल में है, जिसे कह सकते हो आप बीटा टेस्टिंग। अच्छा देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूं इधर इस इंडिकेटर। अच्छा, इस इंडिकेटर में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा वर्क कर रहा है एंड मैं आपको निफ्टी 50 के स्टॉक पे लगा के भी दिखाऊंगा। बट अभी के लिए मैं आपको बता दूं, इसे आप किसी भी टाइम फ्रेम में ले सकते हो। जैसे आप टाइम फ्रेम चेंज करोगे ऑटोमेटिक सिग्नल चेंज कर देगा। बट मैंने देखा कि 5 मिनट में अच्छा वर्क कर रहा है तो मैंने 5 मिनट में लगाया। तो आप सिग्नल देखते हैं, इन्हें सेल का सिग्नल क्यों दिया, सबसे पहले हम उस चीज को डिफाइन करते हैं। तो सिग्नल सेल का देने का इसके दो कारण है। फर्स्ट तो यहां पर मैकडी लाइन ने सिग्नल लाइन को क्रॉस करके नीचे की तरफ गई, तो इसकी फर्स्ट कंडीशन मैच हो गई। सेकंड कंडीशन इसकी क्या थी कि 200 की मूविंग एवरेज से नीचे कैंडल ओपन होनी चाहिए, तो 200 की मूविंग एवरेज से कैंडल नीचे ओपन हो गई। तो ये कॉम्बिनेशन मिला, इनने सेल का सिग्नल दे दिया। दोनों कॉम्बिनेशन मिलने चाहिए, या पहला मिल जाए और दूसरा मिल जाए, या दूसरा मिल जाए या पहला मिल जाए, मतलब 1-2 हो जाए या 2-1 हो जाए, किसी भी तरीके से दोनों कॉम्बिनेशन मिलेंगे जब सिग्नल आएगा। अगर यही ये पहले होता है कि 200 की मूविंग एवरेज से नीचे कैंडल ओपन हो जाती और यहां पर ये क्रॉस नहीं होता तो सिग्नल नहीं आता। उसके बाद अगर क्रॉस होता, जैसे यहां पर ये क्रॉस होता तो सिग्नल आता। तो मैंने बताया ना, 1-2 हो जाए या 2-1 हो जाए, मतलब फर्स्ट स्टेप पहले आए सेकंड बाद में आए जब सिग्नल बन जाएगा, या सेकंड पहले आए फर्स्ट बाद में आए जब सिग्नल बन जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। अगर नहीं समझे तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा। अच्छा, अब मैं आ जाता हूं बाय सिग्नल पे। थोड़ा सा जूम करता हूं जिससे मैं आपको दिखा सकूं। मैंने जूम करा, जूम करके आप देखोगे यहां बाय का सिग्नल बना है। तो यहां पर बाय का सिग्नल कैसे बना मैं आपको बता दूं। पहली कंडीशन हमारी मैच हुई, कहां पर मैच हुई, यहां पर, कि ये जो हमारी मैकडी लाइन थी उनने सिग्नल लाइन को क्रॉस करा एंड क्रॉस ऊपर की साइड करा, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन मैच हुई। पर सिग्नल नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि 200 की मूविंग एवरेज से नीचे कैंडल ओपन हो रही थी। पर जैसे ही 200 की मूविंग एवरेज से कैंडल ऊपर ओपन हुई, इनने सिग्नल दे दिया बाय का।
तो इस तरीके से हमारी दूसरी बाय की कंडीशन मैच हुई और इनने वर्क कर लिया। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट पहले आए सेकंड बाद में आए जब मैच हो जाएगा, या सेकंड पहले आए फर्स्ट बाद में आए जब मैच हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस तरीके से ये काम करेगा। आपको इसमें ये जो मैंने दो मैनुअल इंडिकेटर लगाई है ओनली फॉर एज अ रेफरेंस लगाए कि आप देख सको, मैकडी और मूविंग एवरेज को लगाने की जरूरत नहीं है। आपको बस जो करना है वो ये करना है, मैं दिखा देता हूं। ये मैंने मैकडी हाइट कर दिया और ये मैंने मूविंग एवरेज हाइट कर दी। सिग्नल अपने आप बाय सेल के आएंगे और अलर्ट्स कैसे लगाने हो मैं आपको बता दूंगा। अब सबसे पहले हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कुछ डेमो देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे कर रहा है। एंड मैं दोनों चीजों को ऑन फिर से कर देता हूं जिससे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे सकूं कि हाँ सिग्नल क्यों बना है। तो मैं यहाँ इंडिकेटर के ये जो लिस्ट आ रही थी वो हाइट कर दी जिससे जगह ना घेरे। एंड मैंने यहां पर पहले एक वॉच लिस्ट बना रखी है जिसके अंदर निफ्टी 50 के 50 स्टॉक ले रखे हैं। एंड जैसे मैंने लिस्ट पे क्लिक करता हूं तो सबसे महंगा स्टॉक जो निफ्टी 50 के अंदर है वो सबसे ऊपर आ जाता है। एंड मैं दोबारा क्लिक करता हूं, जो सबसे सस्ता स्टॉक है वो निफ्टी 50 का, वो सबसे ऊपर आ जाता है। कुछ इस तरीके से वर्क करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले रखा है, तो जैसे ये अभी बाय डिफॉल्ट हमने यस बैंक पे लगाया, तो यस बैंक के अंदर इनने कल सिग्नल दिया था सेल का और मार्केट देख सकते हो काफी नीचे गई कल से ही, ठीक है ना। मैंने बताया ये सिग्नल काफी लेट लेट देता है। एक सिग्नल ये बाय का देता है तो हो सकता है वो 3-4 दिन तक चले, और कई दिन बहुत सारे देने लगता है। तो वो आपको देखना है, जब आप इंडिकेटर को लोगे तो आप एक बार बैक टेस्टिंग कर लेना जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं ऐसे मैनुअल। एंड आपको लगता है ये आपके किसी काम का है तो आप देख लेना, बाकी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। एंड अब आ जाता है हम एनटीपीसी पे। जैसे मैंने एनटीपीसी पे क्लिक करा तो आप यहां पर देखोगे कि इनने परसों 3-4 सिग्नल दिए थे, पर जो लास्ट इनने सेल का सिग्नल दिया था वो काफी अच्छा है। आप देख सकते हो 200 की मूविंग एवरेज से नीचे कैंडल आई तो इनने यहां पर, और फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या मैच हुई, ये इधर से इनने ये सिग्नल दे दिया था सेल का, मतलब जो मैकडी लाइन थी वो नीचे को हो गई थी। तो उसके बाद ये दोनों कंडीशन मैच हुई तो इनने ये सिग्नल दे दिया। तो यहां पर अभी आपने देख लिया काफी अच्छा इनने रिजल्ट दिया है एनटीपीसी पे। जब इनने सेल का सिग्नल दिया काफी नीचे गई है मार्केट। अब गेल पे आ जाते हैं, गेल पे क्लिक करते हैं तो गेल के अंदर आज इनने 4-5 सिग्नल दे दिए, लाइव मार्केट है। पहले सुबह सेल का दिया, फिर बाय का दिया। सेल का दिया तो मार्केट इतनी नीचे नहीं गई, बाय का दिया तो थोड़ी ऊपर गई, फिर सेल का दिया नीचे नहीं गई, फिर बाय का दिया, फिर सेल का दिया। अभी जो चल रहा है करंट सिग्नल सेल का चल रहा है। तो जब इसकी कंडीशन दोनों मैच होती है तो सेल का सिग्नल आ गया है, अब देखते हैं क्या करेगा। तो आई थिंक इसके अंदर आज इनने बहुत ज्यादा फॉल सिग्नल दिए। तो हर इंडिकेटर के अंदर नॉइज होती है, और अगर आपको कुछ आइडिया लगता है इस नॉइज को कैसे कम करा जाए तो आप मुझे टेलीग्राम पे या कॉल पे या व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल बता सकते हो कि इस नॉइज को कैसे कम करा जाए, मैं उस पर भी काम करने की कोशिश करूंगा। अब आ जाते हैं हम आईसीओ पे। आईसीओ पे मैंने क्लिक करा तो ये देखिए आज इनने मॉर्निंग की जो 5 मिनट की कैंडल है वहां पर इनने सेल का सिग्नल दिया, एंड देन मार्केट जब से नीचे ही चल रही है, और बहुत अच्छी बात है कि नीचे चल रही है, और मतलब इसमें भी मतलब आज इनने बहुत अच्छा सिग्नल दिया। मैं आज के सिग्नल ले रहा हूं, मतलब जो भी मेरे को लास्ट सिग्नल दिख रहे हैं वो दिखा रहा हूं। अच्छा, अब बात करते हैं हम ओएमजीसी की। तो सुबह मार्केट जैसे ही ओपन हुई, ये जो बीच में आप एक लाइन देख रहे हो येलो कलर की, ये आज की मार्केट की लाइन है कि आज मार्केट ओपन हुई, तो इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूं कि आज मार्केट कैसे ओपन हुई। तो मार्केट जैसे ओपन हुई, इन्होंने बाय का सिग्नल दिया, फॉल सिग्नल था, उसके बाद सेल का सिग्नल दिया। जैसे सेल का सिग्नल दिया मार्केट काफी नीचे गई, एंड अभी वापस ऊपर की तरफ रिकवर कर रही है। तो जो लास्ट सिग्नल था वो सेल का था, काफी अच्छा सिग्नल था, प्रॉफिट बन सकता था, पर कुछ कह नहीं सकते। अगर आप अगर इस ट्रेड को पकड़ के रहते हो और अभी ऊपर चले जाए तो लॉस भी हो सकता था। ये आपको देखना है प्रॉफिट है लॉस है, मैं बस इंडिकेटर बनाया, मैं आपको उसका एक बैक व्यू दे रहा हूं, रिव्यू दे रहा हूं। अच्छा, ये हमने विदांता ऐड करा, विदांता के अंदर इनने आज सेकंड कैंडल 5 मिनट की सेकंड कैंडल आज की सुबह की 9:20 पे इनने सिग्नल दिया सेल का, एंड वो भी अभी तक चल रहा है। काफी अच्छा सिग्नल दिया, बहुत अच्छा सिग्नल है। एंड अगर बैक टेस्टिंग की बात करूंगा तो देखो कि परसों इनने 2 सिग्नल दिए थे बाय सेल बिल्कुल पास पास, छोड़ा बहुत लॉस ही होता, तो काफी अच्छा सिग्नल दिया है। एंड टाटा मोटर पे आते हैं, टाटा मोटर के भी अंदर आज इनने 5:25 पे सेल का सिग्नल दिया, एंड काफी अच्छा, अभी भी डाउन ही है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट ही होता, एंड बाद में आप देख लेना। पावर ग्राइड पे जाते हैं तो पावर ग्राइड पे इनने क्या सिग्नल दिया, पावर ग्राइड पे इनने परसों सिग्नल दिया था, परसों बोले तो सैटरडे संडे तो मार्केट बंद थी, फ्राइडे को सिग्नल दिया था इनने सेल का, एंड उस दिन भी मार्केट काफी नीचे रही, एंड उसके बाद वो सिग्नल अभी तक ही चल रहा था और आज भी मार्केट नीचे है। अब ये आपको देखना है इस चीज को आप कैसे लोगे। अब आ जाता हूं मैं अंबुजा सीमेंट पे। अंबुजा सीमेंट के अंदर आज इनने सेल का सिग्नल दिया 9:20 पे, काफी अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा काम कर रहा है।
एंड कोल इंडिया पे आ जाते हैं। कोल इंडिया के अंदर इनने आज 9:15 पे सिग्नल दिया, काफी अच्छा है, अभी भी नीचे चल रहा है। ये देख लो, मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं, मैंने ये लिस्ट बनाई है जो सबसे कम पैसे के जो स्टॉक है निफ्टी 50 के अंदर, वन बाय वन चेक कर रहा हूं, और 205 पे आ गया। 205 का है कोल इंडिया, जो अभी प्रेजेंट रेट दिखा रहा है मुझे, करंट प्राइस दिखा रहा है। एंड मैं हिंडाल्को पे आ जाता हूँ। हिंडाल्को के अंदर देखेंगे तो परसों सेल का सिग्नल बना था, एंड परसों के बाद मतलब वही फ्राइडे को सेल का सिग्नल बना था, और अभी तक मार्केट नीचे। अगर उस दिन आप डिलीवरी में लेते तो अभी भी प्रॉफिट हो रहा होता। तो ये तो एक बात मैं आपको बता दूं, क्या होता है, देखने में तो सारी चीजें अच्छी लगती है, पर रियलिटी में काम करते हैं तो वो रिजल्ट नहीं आते। इस बात को आप क्लियर कर लेना। काफी सारे लोग हैं, दिखा तो देते हैं कि हाँ ये प्रॉफिट दे रहा है, ये लॉस दे रहा है, पर जब रियलिटी में काम करते हैं जब पता चलता है, क्योंकि उस टाइम हमारे साथ काफी सारी सिचुएशन होती है, काफी सारी कंडीशन होती है जिसपे हम सही नहीं उतर पाते और हमें लॉस होता है। एंड दूसरा, हमारा माइंड भी डिबेट होता रहता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है। तो इस चीज को आपको समझ के चलना है। मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ, एक रिव्यू दे रहा हूँ। आईटीसी पे आ जाता है। आईटीसी के अंदर इनने परसों बहुत सारे सिग्नल दिए हैं और आज कोई सिग्नल नहीं दिया। जो परसों इसका लास्ट सिग्नल था वो सेल का था, और आज भी मार्केट नीचे ओपन हुई और नीचे नीचे जा रही है। इंफ्राटेल पे आते हैं। इंफ्राटेल पे देखे तो लास्ट सिग्नल इनने नरसो दिया था, आई थिंक वीरवार को दिया था, और अभी तक मार्केट नीचे है, सेल का सिग्नल जो दिया था। एंड ये हिंद पे आ जाते हैं। हिंद के अंदर भी परसों सिग्नल सैटरडे को सॉरी फ्राइडे को इनने ओपनिंग मार्केट पे सेल का सिग्नल दिया, एंड मार्केट नीचे। तो कहीं ना कहीं इंडिकेटर बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसके साथ में एक कॉम्बिनेशन और लेके आने वाला हूं, एंड मतलब दो तीन कॉम्बिनेशन लेके आने वाला हूं जो कि आपको बाद में देखने को मिल जाएंगे। एंड अभी मैंने आपको इसमें सिग्नल बताए, अब मैं आपको अलर्ट्स बता देता हूं जो बॉट ट्रेडिंग करते हैं। इसको अगर हमें ऑटोमेशन पे लगाना है तो अलर्ट्स कैसे लगाने, तो आपको क्या करना है, अभी के लिए मैं आपको दिखाता हूं। आपको इस वॉच के आइकन पे क्लिक करना है, एंड इस प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, एंड उस इंडिकेटर का नाम सर्च करना है जो कि आपको ऐड करना है। तो अभी मैंने उसको कोई नाम दे रखा है, मल्टी कंडीशन, तो जो भी मैं नाम दूंगा आपको पता चल जाएगा। देन उसको आपको इस पे वन टाइप क्लिक करना है, एंड आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा बाय करना का सिग्नल लगा रहे हो सेल का, तो हमने बाय का लगाया, एंड उसके बाद वंस पर बाहर लगाना है और क्रिएट कर देना। इधर कोड डालोगे एंड क्रिएट हो जाएगा, देन बाय का सिग्नल आएगा, आपका बाय हो जाएगा, जब आपका सेल का सिग्नल आएगा तो सेल हो जाएगा। अच्छा, इस चीज में एक चीज और ध्यान रखनी जो मैं बताना भूल गया पूरी वीडियो के अंदर, ये इंडिकेटर रीपेंट होता है, और रीपेंट इंडिकेटर को फिक्स करने के लिए क्या है, वंस पर बार क्लोज लेते हैं। जो लोग नहीं जानते रीपेंट क्या होता है, मैं एक बार आपको बता दूं। रीपेंट का मतलब होता है कि कई बार क्या होता है कि इंडिकेटर बाय का सेल का सिग्नल दे रहा है, और थोड़ी देर में वो सिग्नल सेल का गैप हो जाता है। तो ऐसे में जो हम क्लोज पर बार लगाते हैं उसमें क्या होता है कि पूरी जो भी हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, पूरी 5 मिनट के लास्ट तक अगर वो सेल का सिग्नल बना रहता है तो वो अलर्ट्स क्रिएट करता है, एंड देन आपका ऑर्डर लगता है। तो रीपेंट इंडिकेटर को फिक्स करने के लिए क्या है, वंस पर बार क्लोज है, आप वंस पर बार क्लोज का यूज कर सकते हैं। एंड इंडिकेटर का मैंने पूरा व्यू दे दिया, अब आ जाते हैं इस इंडिकेटर की एक्सेस कैसे मिलेगी। आज मैं इसे पब्लिश कर दूंगा। एक्सेस लेने के लिए आपको क्या करना है, आपके पास हमारे नेक्स्ट लेवल बोर्ड का कुछ इस तरीके का अकाउंट होगा जो कि आप यहां देख सकते हो। तो अगर आपके पास नेक्स्ट लेवल बोर्ड का अकाउंट है तो आपका यहां पर आईडी नंबर शो होगा, जैसे कि मेरा आईडी नंबर 2 शो हो रहा है। तो आपको क्या करना है, अपना आईडी नंबर मुझे व्हाट्सएप करना है, और जैसे आप अपना आईडी नंबर व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपको आपका इंडिकेटर पे एक्सेस दे दूंगा। और आईडी नंबर व्हाट्सएप करने से काम नहीं चलेगा, मैं थोड़ी प्रोसेस फिर से बताता हूं। आपको नेक्स्ट लेवल बोर्ड पे जाना है, जहां लिखा एड ट्रेडिंग व्यू आईडी, तो सबसे पहले आपको यहां पर अपनी ट्रेडिंग व्यू आईडी को एड करना और सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करोगे तो वो आईडी मेरे को मेरे एडमिन पैनल पे दिखने लगेगी, एंड जैसे ही मुझे आप अपनी आईडी नंबर बताओगे तो मैं चेक करूंगा कि आप हमारे अकाउंट के मेंबर हो और आप पैड हो या अनपैड हो। अगर आप अनपैड होगे तो मैं आपको इंडिकेटर की एक्सेस नहीं दूंगा, अगर आप हमारे पैड यूजर होगे तो मैं आपको इंडिकेटर की एक्सेस दूंगा। तो जैसे ही मैं देखूंगा आप पैड और आपके आईडी ये मैच हो रही है, तो आपका जो यूजर नेम है मैं उस यूजर नेम पे आपको इंडिकेटर की एक्सेस दे दूंगा। और उसके बाद भी आप इंडिकेटर को अप्लाई नहीं कर पाते तो एनी डेस्क डाउनलोड कर लेना, मैं एनी डेस्क पे आके आपको उसको यूज करना भी बता दूंगा कि उसे यूज कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है। अच्छा, यूजर नेम कहां से मिलेगा, तो यूजर नेम के लिए आप अपने चार्ट पे जाओगे और इस पे क्लिक करोगे तो यहां पर आपका यूजर नेम शो होगा, सेम स्पेलिंग में आपको अपने इस अकाउंट के अंदर ऐड करनी है। तो जैसे आप ऐड करोगे, सबमिट कर दोगे, मेरे वो
इस पे दिखेगी। अगर कोई स्पेलिंग गलत हो जाती है तो आप दोबारा से इसे सबमिट करके सबमिट कर देना, वो और क्लोज कर देना, तो वो फिर मेरे को वैसे ही दिखेगी। तो मैं इस तरीके से एक्सेस दूंगा, आपको पता चल गया मैं एक्सेस कैसे दूंगा। अगर आपको ज्यादा समझना है कि हम ऑटोमेशन ट्रेडिंग कैसे करते हैं इंडिकेटर की मदद से, तो मैंने काफी सारी इस चैनल पर वीडियो डाल रखी है, आप देख लेना, आपको काफी सारा पता चल जाएगा। और ये हमारी वेबसाइट है नेक्स्ट लेवल बोर्ड, मैं होम पेज पे आ जाता हूं एक मिनट के लिए मैं होम पेज पे आ रहा हूं। तो होम पेज पे जैसे जाऊंगा तो मैं आपको थोड़ा बता दूं, ये हमारी वेबसाइट है होम, जिससे ऑटोमेशन ट्रेडिंग करी जाती है 499 में। अभी के लिए आप फायर्स एंड अपस्टॉक एंड जिरोधा पे ट्रेड कर सकते हो। एलिस ब्लू अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उस पर काम चल रहा है, इन फ्यूचर एलिस ब्लू पे भी काम कर पाओगे। एंड अगर आप नीचे जाओगे तो नीचे जाने के बाद फूटर पे आपको हमारा कम्युनिटी सॉरी यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। जैसे इस पर क्लिक करोगे आप डायरेक्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे पहुंच जाओगे और वीडियो देख सकते हो। उसके बाद यहाँ हमारे पार्टनर लिंक है, जो कि जितने भी आप अगर कहीं न्यू अकाउंट बनाना चाहते हो वगैरह वगैरह, तो इन पार्टनर लिंक का यूज कर सकते हो। आई थिंक मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।